वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज का वीडियो आपके लिए इसीलिए इम्पोर्टेंट है, अभी मैं आप लोगों के साथ सिक्किम में अभी का वेदर और सिक्किम एंट्री के बारे में जानकारी दूंगा मैं। तो गाइस आप पूरा वीडियो अच्छे से एंड तक देखिएगा तो आप लोगों को अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा। अभी वेस्ट बंगाल तो 50% लॉकडाउन में चल रहा है, मतलब आरटीपीसीआर रिपोर्ट मैंडेटरी है, मतलब बॉर्डर एंट्री या मतलब बॉर्डर मूवमेंट के लिए। बट अभी सिक्किम में क्या कंडीशन है उसी का अपडेट आज का वीडियो में मैं देने वाला हूँ, तो आप लोग पूरा वीडियो एंड तक अच्छा से देखिएगा। और गाइस सिक्किम अपडेट के साथ साथ सिक्किम में वेदर का अपडेट भी दे दूंगा आज का वीडियो में। अभी नॉर्थ सिक्किम ओपन है या क्लोज है और ईस्ट सिक्किम में छांगू नाथुला खुला है कि बंद है, वो भी आज का वीडियो में आपको जानकारी मिल जाएगा। और गाइस सिक्किम में ईस्ट सिक्किम में आपका नाथुला पास और छांगू ओपन है और आपका नॉर्थ सिक्किम में 0 पॉइंट का उम्मीद थोड़ा कम है, बट खोल भी सकता है, आपका नसीब अच्छा होगा तो आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब लगभग आप समझ सकते हैं कि सिक्किम में लगभग जगह ओपन है, तो आप बिल्कुल आ सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, अभी वेस्ट बंगाल में 50% लॉकडाउन में चल रहा है और आपका आरटीपीसीआर मैंडेटरी कर दिया है बॉर्डर मूवमेंट के लिए, तो थोड़ा खतरा है सिक्किम में जो लोग आ रहा है, क्योंकि सिक्किम का गवर्नमेंट काफ़ी स्ट्रिक्ट है सब चीज़ को लेके। तो आप लोगों को अपडेट मिल जाएगा लेटेस्ट अपडेट, तो उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखना है। तो मैं हमेशा यानी 3 दिन या 4 दिन के बाद बाद एक नया अपडेट दे दूंगा आप लोगों को, तो आप लोगों को तुरंत मिल जाएगा, तो उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करके रखना है। और गाइस 9 जनवरी 2022 संडे को गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम के तरफ से नया अपडेट आ चुका है कोविड-19 का, तो उसके बारे में अभी बता देता हूँ आप लोगों को। गाइस अगर आप सिक्किम आ रहे तो आपको आरटीपीसीआर करना ज़रूरी है, क्योंकि जो नोटिफिकेशन है उसमें दिया गया है कि आपको सिक्किम एंट्री करने के लिए आरटीपीसीआर होना ही चाहिए। आपके पास सिंगल वैक्सीन का सर्टिफिकेट ही या डबल वैक्सीन का सर्टिफिकेट है उसको मेंशन नहीं किया है, बट ये मेंशन है कि इसमें आरटीपीसीआर रिपोर्ट करवा के आना है और 72 घंटा के अंदर आपको सिक्किम एंट्री करना है। और गाइस एक चीज़ आप ध्यान में रखिए, आपका जो आरटीपीसीआर टेस्ट का रिपोर्ट आएगा उस रिपोर्ट जिस दिन आएगा उस दिन से 72 घंटा तक उस रिपोर्ट का वैलिड रहेगा, इस चीज़ को ध्यान में रख के आप सिक्किम एंट्री कीजिएगा। और गाइस 9 जनवरी 2022 में जो नोटिफिकेशन आया है वो नोटिफिकेशन आपका 24 जनवरी तक वैलिड है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। और गाइस एक्चुअल नोटिफिकेशन टोटल 4 पेज का है, उसमें सारा चीज़ दिया गया है, बट मैं सिर्फ टूरिस्ट लोगों के लिए यानी जो बॉर्डर मूवमेंट है वही मैं मतलब डिस्कस किया हूँ, तो आप लोगों को सारा चीज़ अगर जानकारी चाहिए तो मैं वीडियो के एंड में दे दिया हूँ, आप लोग चेक कर सकते हैं, अच्छा से समझ सकते हैं उसको। तो गाइस आप समझ गए होंगे आपको आरटीपीसीआर करना ही है, मतलब आपका डबल वैक्सीन या सिंगल वैक्सीन उससे मतलब नहीं है, जो नोटिफिकेशन है वो मतलब पढ़ के समझ में वही आ रहा है, तो आपको आरटीपीसीआर करवाना है। आरटीपीसीआर का रिपोर्ट जब आएगा उस दिन से 3 दिन के अंदर यानी 72 घंटा के अंदर आपको सिक्किम बॉर्डर एंट्री कर लेना है, आपको इसका ध्यान रखना है। और मास्क जरूर पहनिएगा क्योंकि सिक्किम में बहुत स्ट्रिक है। कुछ और एक इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ आप लोगों को, सिक्किम में 1 जनवरी से प्लास्टिक बोतल बैन है, मतलब जो बोतल 2 लीटर से कम है उस बोतल को बैन किया है सिक्किम गवर्नमेंट से, तो आपको आपका घर से यानी आपका आप जहाँ से आ रहे हैं वहाँ से आपको जो ड्रिंकिंग वाटर का बोतल होता है आपका जो स्टील का होता है उसके बाद आपका कॉपर का होता है उस टाइप का जो बोतल होता है उस बोतल आप कैरी कीजिएगा। बिलो 2 लीटर्स का जो बोतल होता है जो ड्रिंकिंग वाटर आप दुकान से ख़रीदते हैं उसको आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। अगर सिक्किम आ रहे तो आप अपना घर से बोतल ले कर आइए आप या खरीद सकते हैं बोतल दुकान से, जो पानी रखने के लिए मिलता है प्लास्टिक में भी आता है उसमें, मतलब उसका कैटेगरी अलग होता है प्लास्टिक का, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं या स्टील का यूज़ कर सकते हैं या कॉपर का यूज़ कर सकते हैं। मेरा वीडियो से आपको थोड़ा बहुत जानकारी मिला, आपको इन्फॉर्मेशन मिला, आपको हेल्प हुआ,
तो मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं ऐसे ही अपडेट लाते रहूँगा हमेशा। तो गाइस मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग अच्छा रहिए, सुस्त रहिए। जय हिंद, बाय बाय।